हेलो एवरीवन, हाय। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारा ये तीसरा एपिसोड का शूट है जो कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट मानस जी त्रिवेदी के साथ है और वो हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। आई होप कि आप लोगों को ये कंटेंट बहुत पसंद आएगा। इन दिनों यार साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और आई होप कि आप लोगों के लिए ये कंटेंट बहुत नॉलेजेबल रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एंड तक इस एपिसोड को देखें क्योंकि हर एक इंसान जो फ़ोन यूज़ कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, उसे साइबर फ्रॉड्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए। और यार हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ये वीडियोस आप लोगों तक लाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। एक व्हाट्सएप पे एक लिंक आया, जैसे ही आप उस लिंक पे विजिट किया और आपके पैसे कट गए, क्रेडिट कार्ड होते जहाँ पे ओटीपी नहीं आती, उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करी, तो भी उनके पैसे कट रहे हैं अकाउंट से। नमस्कार दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और साइबर क्राइम से बचने के लिए कोई और रास्ता नहीं है अदर देन द अवेयरनेस इटसेल्फ। और इसी के तहत हमारे साथ जुड़े हैं मानस त्रिवेदी जो कि एक्सपर्ट है साइबर क्राइम में, जो कि अब तक 60 से ज्यादा सेशंस ले चुके हैं इसकी अवेयरनेस के लिए और 5000 से ज्यादा पुलिस वालों को अब तक मानस जी ट्रेनिंग दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मानस जी हमारे इस एपिसोड में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि साइबर क्राइम के बारे में हमें बताइए, साइबर क्राइम होता क्या है ये हमारे दर्शकों को बताइए, और कितने प्रकार के साइबर क्राइम आज की तारीख में हम देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली साइबर क्राइम की डेफिनेशन मैं बताना चाहूँ तो एक सिंपल सी डेफिनेशन की यह है कि कोई भी क्राइम, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हो, मोबाइल से हो, कंप्यूटर से हो, अगर मोबाइल का या कंप्यूटर उपयोग करके कोई अपराध करता है तो उसी को साइबर क्राइम कहा गया है। ओके। और साइबर क्राइम कई प्रकार के हो रहे हैं और सबसे पहले जो देखा गया है साइबर क्राइम, तो पहला आता है फाइनेंशियल फ्रॉड, वित्तीय फ्रॉड। जी ठीक है, फाइनेंशियल मतलब पहले चलता था, अब किसी जमाने में ओटीपी फ्रॉड चलता था। जी ठीक है, अब ओटीपी फ्रॉड सभी लोगों को पता है, लोगों को क्या ओटीपी नहीं बताना चाहिए। जी जी, ये सब जानते हैं, ओटीपी हमको शेयर नहीं करना, लोग समझ भी गए इसको, फिर भी आज भी लोग ओटीपी दे रहे हैं। ओके। क्या दे रहे हैं, सिंपल सा केस मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ में। एक कोई पर्सन नाम नहीं लूंगा, कोई पर्सन है अच्छा पढ़ा लिखा पर्सन आदमी का जी, तो उसके साथ क्या हुआ कि उसकी वाइफ कुछ दिन पहले शॉपिंग करने गई थी। ठीक है, किसी बाजार में, किसी कहीं मॉल में कहीं गई होगी। ठीक है, तो वहां से जब लौटे तो 7 दिन बाद जो जिसका फोन हुआ उनके पास में क्या है, कॉल आता है। ओके सर, हम इस मॉल से बात कर रहे हैं और आपकी वाइफ ने इतने का सामान खरीदा है, उसके बदले हम आपको 2 दिन का शिमला का टूर देना चाह रहे हैं। ओके। अब वो पढ़ा लिखा आदमी था, तो उसने बोला तुम लोग फर्जी होते हो, क्योंकि फोन उसने कट कर दिया। ठीक है, एक घंटे बाद एक मैडम का फोन आता है। ओके सर, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, आपने फोन कट कर दिया, अरे तुम फर्जी हो, उनको फोन रखो, ऐसे उसने टड़का दिया। फिर बोलती है मैडम के सर हम आपको पूरी लिस्ट बता देंगे कि आपकी वाइफ ने क्या क्या सामान खरीदा है। ओके, तो मैडम ने पूरी लिस्ट बता दी। अब उनको लगा कि यार ये तो पूरी लिस्ट बता रहा है, बात सही है, पर बोलता है मैं आपको ओटीपी नहीं दूंगा। तो बोलती है मैडम आपको आपसे कोई ओटीपी नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या चाहिए आपसे, हमसे बताओ, तो आपका नाम बताओ, नाम बता दे दिया, आपका ईमेल आईडी बताओ, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, एड्रेस। फिर बोलते हैं आपकी ईमेल आईडी और आपके मैसेज पे एक टूरिस्ट कोड आ रहा है, टूरिस्ट कोड बता दो। ओके, तो जैसे उन्होंने टूरिस्ट कोड बताया, उनके अकाउंट से पैसा गया 4 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि टूरिस्ट कोड ही ओटीपी था, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया। ओके, वैसे लोग अभी क्या करते हैं, कोई ऐप का कोड, कुरियर कोड, वेरिफिकेशन कोड, इस नाम से चेंज करके वो ओटीपी लोगों से मांगते हैं, होता ओटीपी है वो जी, आज भी लोग ओटीपी दे रहे हैं जी, बट उन्होंने तरीके बदल दिए। ओके, तो ये एक टाइम पे फाइनेंशियल फ्रॉड इस तरह से शुरू हुआ। ओके, शुरू करते करते इन्होंने क्या किया, तरीके और चेंज होते गए, अपग्रेड जाते गए। जी जी ठीक है, अभी सबसे ज्यादा जो चल रहा है आपके टाइम पे मैं बताता हूँ आपको, तो एक चल रहा है एनी डेस्क फ्रॉड, मतलब एनी डेस्क का ऐप आती है। जी, एनी डेस्क हम भी डेली लाइफ में यूज करते हैं कभी कभी स्क्रीन शेयर करने के लिए। एग्जैक्टली, अब वो उसी ऐप के यूज से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ओके, इसको एक और नाम दिया गया, गूगल पर सर्च करोगे आर्मी नेम फ्रॉड, तो आर्मी नेम आर्मी फौजी, फौजी के नाम से फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, कई सारे डाटा उनको लीक हो चुका है। जी, जो फौजी के डाटे हैं उनके डाटा वहां लीक हो चुके हैं। तो वो जो डाटा लीक हुआ है, ओके, तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ फ्लिपकार्ट
Amazon, Magic Bricks, कई सारी शॉपिंग वेबसाइट पे वहां पर कुछ सामान बेचते हैं खरीदने के लिए, वो लोग लोगों को रीच करते हैं। ओके, जैसे कि एक मैं आपसे शेयर करता हूँ, मुझे क्या हुआ कि एक कार करीब 1.5 लाख में कार मिल रही थी। ओके, ठीक है, सेकंड हैंड कार, बड़ी महंगी ओडी टाइप की कार। अच्छा, अब आदमी लोगों को 1.5 लाख में सस्ते में, 1.5 लाख में 50 लाख की कार 1.5 लाख में मिल रही है, तो एक आदमी को उसमें जागा, मंथली यूजर्स है उसका। हाँ, देन उसने क्या किया, उसके उस पर जो नंबर दे रहा नंबर से बात करी जी, तो उसने व्हाट्सएप पे कार के फोटोज भेजे। अब व्हाट्सएप पे क्या होता है कि जो डीपी लगी होती है वो किसी आर्मी के पर्सन की होती है। ओके, ठीक है, और जब बात करता है वो तो बोलता है कि मेरी यहाँ पोस्टिंग थी, मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे जल्दी जल्दी कार बेच के यहाँ पे जाना है सस्ते में। ओके, वो आर्मी का कार्ड एंड कैंटिंग कार्ड वगैरह वगैरह शेयर करता है। सब आदमी लगता है कि ये तो आर्मी का आदमी है, ओके, क्या अफोर्ड करेगा मैं साथ में, लीगल आदमी है, ट्रस्ट आपने क्या है कि आर्मी वालों से बहुत जल्दी ट्रस्ट डेवलप होता है, जल्दी ट्रस्ट डेवलप, एक इमोशन जुड़ा हुआ है, उस इमोशन के लोगों ने फायदा उठा दिया। ओके, फिर क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि हम आपको एक ऐप दे रहे हैं, ऐप को इंस्टॉल करो, तब वहां पर जो प्रोसेस को हम कंफर्म कर देंगे। वो ऐप होती है एनीडेस्क। ओके, एनीडेस्क ऐप से आप बेसिकली, एनीडेस्क एक ऐसी ऐप है, मैं सभी व्यूअर्स को ही बता दूं कि एनीडेस्क ऐसी ऐप है जिसमें हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सामने वाले इंसान को जो कहीं भी बैठा हो सकता है इस दुनिया में। एक कोड होता है, वो कोड जैसे हम शेयर करते हैं आपकी पूरी स्क्रीन, आपका एक तरीके से पूरा सिस्टम सामने वाला ऑपरेट कर सकता है। तो आगे बताइए मैंने जी। तो बस उसमें आने लगा कि उसको ऐप इंस्टॉल किया, वो कोड शेयर किया मोबाइल उसके सामने चला, उसको एक्सेस करना शुरू किया। अब ओटीपी कहां आ रहा है, यहां भी आ रहा हो वहां भी आ रहा है। ओके, वो हाँ स्क्रीन पे सेंड शेयर हो गई, तो दिख रही स्क्रीन पूरी, ओटीपी आ रहा है वो भी दिख रहा है। जी जी, तो इस तरह से लोग अभी फोर्ड कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ओके, कोई बोलता है कि यार मैं आर्मी से बात कर रहा हूँ या कैंप से बात कर रहा हूँ और मुझे 10 थाली का ऑर्डर देना है, 100 थाली का ऑर्डर देना है, तो आदमी क्या करता है 100 थाली बनवा देता है। हाँ, तो 100 थाली का पैसा वेस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, ठीक है, तो खाना वेस्ट हुआ और एनीडेस्क के नाम से फोर्ड भी करता है। ओके, तो बेसिकली अभी मोटा मोटी देखें तो एक तो हम जो जहां भी शॉपिंग करने जा रहे हैं किसी मॉल में या कहीं पे भी या किसी भी जगह फॉर द मैटर, अगर वहां से वापस से फीडबैक या किसी भी तरह के लिए कॉल आता है तो हमें उस टाइम पे थोड़ा सा अवेयर लेना है। हाँ, अवेयर रहना है। दूसरा, हमें जब भी हम किसी शॉपिंग वेबसाइट से वगैरह शॉपिंग कर रहे हैं तो उस समय हमें एनीडेस्क जब भी अगर कोई मांगता है तो उस टाइम भी एनीडेस्क नहीं, बहुत सारी ऐप्स आती है, एनीडेस्क आ गया, अल्ट्रा व्यूअर हो गया, अपना स्क्रीन शेयर नहीं, स्क्रीन शेयर ऐप्स जो भी ऐप्स है वो अपने ऐप स्टोर करनी नहीं है। इवन क्या है कि कभी भी आप ध्यान रखना कि जो आप वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हो जी, उस वेबसाइट को वेरीफाई वेबसाइट है या नहीं है वो देखना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि नाम चेंज करते हैं। अब हमने एक वेबसाइट देखी जी, अमेजोन ने दो वेबसाइट देखी, AMAZON ये अमेजोन वेबसाइट है, ओके, और लगा दिया एस अमेजोन कर दिया, है नकली वेबसाइट Amazon के नाम से कर दी। ओके, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, वो नकली वेबसाइट बना देते हैं और लोगों का सोचना शुरू करते हैं। तो माने जी, मैं एक और ये पूछना चाहूंगा कि सेक्सटोर्शन करके एक टर्म इन दिनों काफी प्रचलन हो रही है कि सेक्सटोर्शन बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस आते हैं किसी पर्टिकुलर लड़की के, और स्पेशली मेजरली लड़कों को ही जाते हैं, और वहां से फिर वीडियो कॉल होता है और उनको बाद में क्या कहते हैं, उनको इल्जाम लगाया जाता है या उनको ब्लेम किया जाता है और उनके फैमिली रिलेटिव्स को भेजा जाता है, ऐसा करके उनको एक्सट्रोशन किया जाता है। तो ये इसके बारे में बताइए, इससे कैसे बचा क्या है सेक्सट्रोशन, ये बहुत पुराना हो गया है, 2-3 साल शुरू हुआ। अच्छा, अभी भी लोगों के साथ में हो रहा है, हो रहा है, लोग इसमें फंस रहे हैं। जी जी, अभी कोई लड़के पे नहीं, लड़कियों पर भी होना शुरू हुआ है। अच्छा, लड़कियों पर, दोनों पे हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर केस जो आपके, मतलब रोज ही आते हैं जी, रोज केस सुनने में आते हैं, रोज केस में पढ़ता भी हूँ जी जी, रोज लोगों साथ हो रहा है, हर रोज थाने में कहीं ना कहीं एक आ ही रहा है जी। तो होता क्या एक्चुअल में इसमें, फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम तीनों पे, ठीक है, आपको रैंडमली किसी लड़की की रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, लड़की नाम से, आपसे वो बात करेगी, ठीक, बात करते हैं कुछ दिन, 2 दिनों में ट्रस्ट डेवलप करेगी। ओके, जब ट्रस्ट डेवलप हो गया आपसे वो वीडियो कॉल बात करना शुरू करेगी। ओके, आपको वो वीडियो कॉल करेगी, अब जब जिसने वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल की तब आपने उसको उठाया, आपके उठाने के 5 सेकंड भी अगर नहीं होंगे वो फोन कट कर लेंगे। Okay. वो 5 सेकंड की जो वीडियो है उसकी क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है, और सामने जो वीडियो कॉल पर वो कोई न्यूड लड़की होती है। अच्छा, ठीक है, उनको न्यूड उसका कॉल चल रहा होता है। ओके, और सामने आदमी क्यों खड़ा है, अब इसकी जब तक 5 तो कट नहीं करता तब तक वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो कर लेते हैं। ठीक बात है। और सब जो भी पर्सन उसको भी भेजते हैं, बोलते हैं कि ये वीडियो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, अपलोड कर देंगे, फिर उसको फोन करते हैं कि हम यूट्यूब क्राइम ब्रांच से बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, लोगों को लगता है यूट्यूब क्राइम ब्रांच कोई सीबीआई का आदमी है,
और डीपी लगा होता है किसी बड़े अधिकारी की डीपी लगी होती है तो वो उनको बोलता है कि जिस लड़की किसी ने वीडियो कॉल किया है वो लड़की ने सोशल कर लिया है तो भाई पे केस कर रहा है और ये नोटिस है नकली नोटिस भेज देते उसको सिर्फ वापस से उसी प्लेटफॉर्म पे जहां से प्लेटफॉर्म पे शेयरिंग होती है उसी प्लेटफॉर्म पे वापस रुपए मांगते हैं। नहीं, 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 बहुत आगे बढ़ गया। अच्छा, यूट्यूब प्राइम पर से वीडियो को कहता है कि वो दिन पहनी हुई उसने वगैरह। अच्छा, पूरी यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में और झंडे लगे हुए पीछे। ओके, और ऐसे कॉल आएगा कि तेरे को अंदर कर देंगे और तुझे अगर छुटा करना है तो काम 25 लाख रुपए या 10 लाख रुपए 5 लाख जो भी एक्सपेंस जी अमाउंट है ट्रांसफर होता है उसको छुट्टा करेंगे ऐसे उतना उसको परेशान करते हैं उतना डर जाता है। ओके, और वो मजबूर हो जाता है या तो पैसे देने में पैसे नहीं है तो सोशल करने में। ओके, तो ये तुम्हें सेक्सुअल है और इसमें मैं बताना चाहूंगा इसको डरने वाली बात नहीं है जी, ठीक है ना। वो होता क्या है कि उन्होंने वीडियो बना दी अगर आपने कोई क्राइम किया नहीं है तो आपको डरना क्यों है, आपको कोई क्राइम हुआ है आपने कोई क्राइम किया नहीं है। अगर ऐसा कभी भी किसी के भी साथ हो जाए, अगर उनके साथ ऐसा हो गया है कि कोई कॉल आया है जहां पे आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या आपको कहीं भी तरीके के आपको ब्लेम किया जा रहा है और आपको डराया जा रहा है तो डायरेक्ट पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आप जितना जल्दी हो सकता है नजदीक पुलिस थाना जाके फिर रिपोर्ट दर्ज करा दो। Okay. आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, ना ही आपको पैसे मांगने पैसे देने की जरूरत है। अच्छा, एक रुपया उनको देने की जरूरत नहीं है। जी जी, ये बस ध्यान रखना है कभी कुछ भी कितना डरा दे आपको पैसा नहीं देना, वो इतना डराता है कि उसने सोशल कर लिया है। अच्छा, भाई ने आपको तरफ केस किया है। ओके, और तुझे दिल्ली जाना पड़ेगा जिसपे धारा लगेगी ये। अच्छा अच्छा, इतना बेचारे उसको इतना परेशान करते हैं रोने जैसा होता है। मैंने कभी 50-60 साल के आदमियों को इसमें रोते हुए देखा। ओके, उतना डरा देते तो डरने वाली बात नहीं है। आपने कोई क्राइम किया नहीं है, मतलब ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर एज नहीं है जिनको पर्टिकुलर एज नहीं है। 70-80 इयर्स के लोगों को साथ भी ये चीज हो चुकी है, सभी के साथ में हो रही है, कोई नई चीज नहीं है। इसको सेक्सुअल क्राइम इसलिए बोला गया है कि ये एक्चुअल में कोई क्राइम अब तक क्राइम हुआ, आपने कोई क्राइम किया नहीं, डर क्यों रहे हो आप? ऐसे डर रहे आपने कोई क्राइम किया है? वो डर इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने कहीं डराया। हाँ, वही उन्होंने डराया तो बस वही उनको डर के कारण वो क्या करते हैं पैसे। तो मैंने ऐसे देख रखा है किसी ने 40-50 लाख तक दे रखे हैं जी डर डर के इसी केस में। ओके, माना जी मैं एक ये भी सवाल पूछना चाहूंगा कि इन दिनों मैंने काफी मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनके क्रेडिट कार्ड से जहां पे ओटीपी नहीं आती, उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करी तो भी उनके पैसे कट रहे हैं अकाउंट से। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं, उनको बात छुपा रहे। हाँ हाँ, अगर उन्होंने ओटीपी नहीं बताया कुछ भी नहीं किया तो उनके साथ में क्या है कि एनएलएस वाला फोड़ हुआ होगा, स्क्रीन शेयर है उसको फोड़ हुआ होगा, फिर उसमें बोलते हैं कि हमने कोई ओटीपी दिया नहीं। आपको बताया कि वो कोई ना कोई बिना किसी गलती के बिना आपकी गलती के तभी कोई भी क्राइम ऐसा साइबर क्राइम नहीं हो सकता। ओके, आप ऐसा भी होता है कितनी बार, मतलब मैंने सुना है ऐसा पढ़ा भी है कि फोन पे एक व्हाट्सएप पे एक लिंक आया, जैसे ही आप उस लिंक पे विजिट किया और आपके पैसे कट जाते, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसा मैंने लास्ट में सुना मेरे करियर में ऐसा कुछ हुआ कि लोग आते हैं ऐसा बोल के कि हमने इसे व्हाट्सएप पे लिंक पे क्लिक किया पैसे कट गए, लिंक से वो बातें छुपाते हैं तो। या ऐसा कभी कि सिर्फ कॉल आया और कॉल उठाया और पैसे कट गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, बिना आपकी गलती के कभी कोई पैसा नहीं कटता। अच्छा, आपने या तो कोई लिंक पे क्लिक करके कोई ऐप इंस्टॉल करी है, लिंक पे क्लिक करके बग इंस्टॉल किया है, कुछ तो आपने किया है, बिना आपकी गलती के कभी पैसा नहीं कटेगा। ओके, ठीक है। तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा अभी सभी का क्राइम चल रहा है अभी। हाँ, हाँ, तो सभी का चल रहा है और सबसे नया क्राइम चल रहा है वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे, ओके, व्हाट्सएप पे क्या करता है क्या, मतलब आपकी डीपी लगी होगी, नंबर भी और होगा ना, सभी कॉन्टेक्ट वो लोग क्या करते हैं पैसे मांगने डिपेंड करते हैं, मैं एडमिट हूँ मुझे पैसे चाहिए, डीपी आपकी लगी है और नंबर किसी और का है। अच्छा, मतलब मेरे डीपी से मेरे ही फ्रेंड्स को मैसेज जाएगा, अब मुझे पैसों की जरूरत है। अब लोग बोलते हैं कि सर हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया। आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ है, इसमें मैं क्लियर करना चाहूंगा लोगों को, आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ। इसमें हुआ क्या है, आपकी जीमेल आईडी हैक हुई है और जीमेल आईडी से आपके कॉन्टेक्ट लिए गए हैं। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हुआ होता तो आपका ही आपके ही नंबर से उनको मैसेज आते हैं। ओके, डीपी आपकी लगी हुई, नंबर कोई और है। मतलब बेसिकली बात यह है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर रहा है कि मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट जो भी है उसकी हेल्प चाहिए, तो प्लीज उसको एक बार कॉल करके कंफर्म कर ले कि उसको सही में वो उसी को जरूरत है या। तो साथ साथ में मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि जिस जिसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, जीमेल आईडी जो भी यूज करते हैं उसका पासवर्ड जी, मोबाइल नंबर जी, उसका नाम 12345678 बर्थ ईयर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी जी, फादर नेम, मदर नेम, इसी डिटेल्स जिससे पासवर्ड रख रखी है,
तो अपना आज आज अपने पास से फ्रेम कर ले। ये बहुत ही अपने काम की बात बताई है। तो मैं सभी व्यूअर्स को एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जिन्होंने भी अपने पासवर्ड्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने मदर फादर के नेम या फिर अपना बर्थ ईयर या ऐसा कुछ भी 12345 ऐसा सिंपल सा आपने अगर पासवर्ड रख रखा है तो उसे आज ही जाकर के तुरंत चेंज करें, वरना आपका अकाउंट और आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो सब खतरे में आ सकते हैं। और साथ में एक और चीज बताना चाहूंगा, आपके जो भी फोटोज है गैलरी के जी जी उनको कभी भी अपने गूगल ड्राइव में सेव मत करो। बहुत ही बड़ी बात बता रहे हो क्योंकि आजकल हर जना क्लाउड पे ही होता क्या है, उनको लगता है कि हमारे क्लाउड पे फोटोज है हम सेव है, कभी किस पर खराब हुए कुछ भी गलती से किसी जीमेल आईडी। मैं आपको केस कहना चाहूंगा जी एक जगह का, मैं वो नाम नहीं लेना चाहूंगा। होता क्या है कि दो कपल थे, उनकी शादी हुई थी, ठीक है, शादी के दो साल पहले उन्होंने, दो साल पहले की बात करो, उन्होंने आपस में अपने पर्सनल फोटो शेयर किए थे, ओके, अब फोटो टाइम पर उन्होंने देख के डिलीट कर दिया, ठीक है, वो फोटो सेव किसमें थे, ड्राइव ड्राइव में, ओके। दो साल बाद जब शादी हुई उसके भी एक साल बाद, तीन साल बाद मान लो थे अपन, उनके पास में वो फोटो आते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है। अच्छा, उनके पास्ट रिलेशन के, हाँ, क्यों, क्योंकि उनकी जीमेल आईडी है कोई और जीमेल आईडी से उन्होंने ड्राइव के फोटो ले लिए। ओके, तो मैं वापस इस पे आता हूँ कि बोला जाता है कि iOS इज मच मोर सिक्योर देन गूगल, जो आप ड्राइव की बात करते हो क्या सेम है या फिर iOS पे भी नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई इतना बड़ा सब सिक्योर सब है जी, सिक्योरिटी सबकी है, बट ये आप अपनी गलती से ही आईडी हैक करा रहे हैं। मैं कहा ना आपको, आप पासवर्ड ऐसा है जो मैं जल्दी से आपके पासवर्ड को मैं समझ सकता हूँ, ओके, ठीक है, मैं आपके पासवर्ड को सोच सकता हूँ, हाँ ये इस आदमी ने ये पासवर्ड रखा हुआ होगा, किस्मत से खुल गया, ओके, हाँ मैंने आप सोचा कि अरे आपने हिमांशु जी ने तो जो जीमेल का पासवर्ड मोबाइल नंबर रख रखा है, एप्पल आईडी का पासवर्ड ना मोबाइल नंबर रख रखा है, जी जी, देन मैं आपको आईडी है कर सकता हूँ, आईडी का तो घुस गया, किस बात की सिक्योरिटी, ओके, तो सिक्योर दोनों है, गलती कहीं नहीं गई, अपन ही कर रहे हैं, ओके। तो मैं इसे कैसे आपको मैंने फोर्स किया था कि पासवर्ड ऐसा रखो जो कोई इमेजिन नहीं कर सके, ओके। तो मानस जी, अब तक आपने जैसे बताया था कि 45 लाख की अब तक आपने रिकवरी करवा दी है जो कि फ्रॉड हो चुके थे। हम लोग ये मानते हैं कि आजकल डिजिटल फ्रॉड अगर हो गया है तो भूल जाए, मतलब पैसा आना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने 45 लाख का रिकवरी आपने करवाई है। कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि अगर मेरे पैसे कट गए किसी भी गलती से तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि वापस आ सके, और अगर कटते ही मुझे सबसे पहले, जैसे मेरे अकाउंट से पैसा कटा तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, फर्स्ट ही फर्स्ट मेरा स्टेप क्या होना चाहिए? मैं परसेंटेज तो नहीं बोलूंगा इसमें, परसेंटेज कुछ होता ही नहीं है, ओके, तो मैं परसेंटेज नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके साथ में कोई साइबर क्राइम होता है, ओके, इतना जल्दी हो सके, इतना भी जल्दी हो सके, ऐसा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है कि टाइम फ्रेम जल्दी 10 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, 24 घंटे के बीच इतना जल्दी हो सके, आप क्या करते हैं, करता है फ्रॉड हुआ था, आधा घंटा सोचेगा, एक घंटा सोचेगा, दो घंटा जाएगा, फिर थाने में जाएगा जी, इतना जल्दी हो सके आप नजदीकी थाने में जाओ। थाने में जाने के साथ साथ ही उसी समय जी एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है जो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको शुरू किया, केंद्र गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको शुरू किया, okay. है, वो है 1930 1930 ओके, ना जल्दी हो सके आप उस पर कॉल करो, आप कॉल करके अपनी डिटेल्स उनको शेयर करो, डिटेल्स शेयर करने के बाद में वो लोग क्या करते हैं आपको एक लिंक भेजते हैं, okay. वेबसाइट भेजते हैं, एक्चुअली वेबसाइट होती है cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in ओके, इस पे जाके आप पूरा फॉर्म सबमिट करोगे, इतना जल्दी फॉर्म सबमिट होगा और उसके एक पर्सन की जो भी पर्सन है, ठीक है ना, वो उस पर कंप्लेन कर लेगा जितना जल्दी सके, तो मतलब मुझे चांसेस है वो पैसा वापस आपका आ सकता है, ओके, आपको जितना जल्दी हो सके आपको नजदीक थाने पे जाके आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है और आपको 1930 पे कॉल करना है, ओके। तो बेसिकली अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हो गया है फाइनेंशियल, तो आपको सबसे पहली फुर्सत में आपको जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म करना है, और जो भी आपने बताया कि 1930 कॉल करके एक लिंक आएगा उस पर अपनी डिटेल्स भरेंगे और वहां से आपका प्रोसीजर चालू हो जाएगा, और अगर आपका रिकवरी के चांसेस जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके आपको नजदीक थाने जाना, सबसे ये काम करना, ओके, आप नजदीक थाने में जाओ जितना जल्दी हो सके, लेट जाओगे तो आपको आपको सोल्यूशन नहीं मिले, तो जल्दी जाओगे तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा ओके। मानस जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि केंद्र सरकार की जो वेबसाइट है, हम ये जानना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक कौन से इनिशिएटिव लिए हैं साइबर क्राइम के लिए, साइबर फ्रॉड्स के लिए? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई से इनिशिएटिव लिए हैं, okay. स्टेट गवर्नमेंट ने जब नया इनिशिएटिव लिया है
जिसमें सभी जिलों में साइबर थाना खुल रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर थाना बना होगा, ओके, जो कभी नहीं हुआ अब वो हो रहा है, ओके, इससे काफी लोगों को उसमें राहत मिलेगी और साइबर क्राइम को रोकने में कभी मदद मिलेगी। ओके, लोग होता क्या है कि नॉर्मल थाना है उस थाने जाके वो रिपोर्ट करा रहे हैं, वो वहाँ पर लोग ऑलरेडी बिजी है, किसी और काम में भी उनका खुद सारे काम करते हैं, उस भी इतना ध्यान नहीं दे पाते। ओके, तो अब साइबर थाना खुल जाए उनका एक ही काम रहेगा, वो है साइबर क्राइम का पूरा फोकस। एग्जैक्टली, तो मैं यही पूछ रहा था कि आर वी वेल इक्विप्ड, आई मीन जो हमारे पुलिस वाले हैं वो उनके पास पूरे इक्विप्ड हैं, बिल्कुल है, अपने पुलिस वाले पूरे सक्षम हैं किसी साइबर क्राइम के केसेस को हेल्प करने में, ओके, बिल्कुल सक्षम है वो लोग, और डिपेंड है उनको ट्रेनिंग उनको मिलती रहती है जी। हम मैं देता हूँ, कई तरह से लोग उनके कोर्सेज भी चलते रहते हैं जी, जी। आरपीए में भी उनके कोर्सेज चलते रहते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती रहती है इसकी, और हमेशा कोर्स चलते हैं, जो पुलिस है राशन पुलिस पूरी सक्षम है। हाँ। बस ये है कि जल्दी लोग जाए, और अभी नया इनिशिएट किया है साइबर थाना वाला, वो काफी अच्छे इनिशिएट किया हुआ है। हाँ। और एक और चीज ये है कि अभी सभी फोकस कर रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम पे भी जी, कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलते हैं, ओके, साइबर का अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें स्कूल्स कॉलेज में लोगों को जागरूकता अभियान चला रहे हैं वो लोग, तो कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी फिलहाल चल रहे हैं। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी दो इनिशिएटिव आपको बताया मैंने कि 19-30 जो नंबर इनिशिएट किया है, काफी अच्छा इनिशिएटिव, कई लोगों के पैसे होल्ड हुए हैं और मतलब पैसा उनको रिफंड मिला है, ओके, और कई सारे लोगों को उनसे हेल्प मिल चुकी है। साथ ही जो मैंने आपको वैसा बताया cybercamp.gov.in, ओके, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव। अच्छा, और साइबर दोस्त नाम से एक वो लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ओके, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है साइबर दोस्त, वो क्या करता है सोशल मीडिया साइबर दोस्त, हाँ, सोशल मीडिया पे पेजेस भी है, फेसबुक okay. पे भी है, ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, लोग उसको फॉलो करें, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेयरनेस टिप्स आती है जी, तो लोग वहां से पढ़ के उसके बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसे सिर्फ जागरूकता से ही कम लगता है, सिर्फ अवेयरनेस से, आपकी गलती बिना साइबर क्राइम नहीं होगा, बस ये है कि गलती का अलग अलग तरह की गलती अपन कर देते हैं ये अपने साथ इसमें इशू है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी गलती जो हमें पता भी नहीं चलता, वो है पासवर्ड वाली गलती, जो कि हम बहुत ही वीक पासवर्ड रखते हैं और हम बाद में शिकार हो जाते हैं साइबर फ्रॉड का। माने जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इन दिनों बहुत कॉमन हो गया है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मेरा लैपटॉप हो गया, मेरा फोन हो गया, तो मैं इनको कैसे सिक्योर रख सकता हूँ अगर ये चोरी हो जाते हैं, तो मैं इनको अंदर ऐसा क्या कर सकता हूँ कि कोई एप्लीकेशन अगर ऐसी है जिन्हें मैं इंस्टॉल करके अपने फोन को या लैपटॉप को सिक्योर रख सकूं। अपने फोन और लैपटॉप में आप हमेशा एक एंटीवायरस अपलोड करके रखो, ओके, डालो मतलब एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखो, एक एंटीवायरस अपने फोन पर लैपटॉप में होना चाहिए, ओके, ट्रस्टेड वाले, अच्छा, खूब सारे ट्रस्टेड वाले जी जी, ऑथेंटिक। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अपने मोबाइल और जो लैपटॉप है उसमें हमेशा अपने मेल आईडी लॉगिन रखो, ओके, ठीक है, और उसको पासवर्ड में याद रखो, ओके, ठीक है, तो कई सारे हेल्प मिल जाएगी, कभी उनको फोन लॉस्ट या मोबाइल लॉस्ट रहता है तो वो खुद भी अपने बेस पे भी एक वेबसाइट आती है फाइंड माई डिवाइस करके, उसके बेस पे भी फाइंड माई डिवाइस, हाँ, तो आप उसके से मोबाइल अपना खुद ट्रैक कर सकते हो लॉगिन करके, ओके, इंस्टेंट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, पुलिस की हेल्प लोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, मानस जी, आपने अब तक बहुत से केसेस में पुलिस की हेल्प करी है, कुछ कोई इंटरेस्टिंग सा हमें बताइए केस जिसमें आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े और बाद में वो सॉल्व भी हुआ हो, ऐसा कोई केस आपको याद आ रहा हो? केस तो कई सारे हुए जी, कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग वाला? सारे इंटरेस्टिंग है, ऐसा सबसे इंटरेस्टिंग कोई रहा नहीं है जी जी, क्योंकि क्या है जो मतलब ऐसा कोई केस जिसमें आपको लगा कि नहीं यार इसमें तो वाकई में विक्टिम की गलती नहीं रही है? नहीं, ऐसा कोई केस नहीं, साइबर क्राइम में ऐसा कोई केस नहीं आता जिसमें विक्टिम की खुद की गलती नहीं हो। कुछ कुछ किस से बात करना चाहूंगा, इस शहर में करीब 200 लड़कियों की एक साथ फेक आईडी बन गई थी, ओके, एक साथ फेक आईडी उनकी बना दी गई थी, 200 लड़कियों की एक साथ फेक आईडी बनाई गई, तो उन्होंने पुलिस की हेल्प ली और पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने मुझसे भी हेल्प ली, तो हम लोगों ने करीब एक दिन में 200 फेक आईडी बन कराई थी, ओके, तो ये कैसे था, जो भी हर इंसान आ रहा है, कोई मतलब गल लड़की आ रही है, कोई लड़कियों के लिए स्पेशल मैसेज अगर आप कुछ बताना चाहें हमारी जो भी गर्ल्स व्यूअर्स हैं कि उनको कैसे, उनसे स्पेशल ये है कि दिन दिन का अकाउंट पब्लिक है, अच्छा, उनको मैं क्या कहना चाहूंगा कि अपना अकाउंट तो प्राइवेट रखते हैं, नहीं जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको पब्लिक रखना पड़ता है, पब्लिक रखना पड़ता है, मैं आपको समझ गया जी, बट क्या है शुरुआत वहीं से होगी, ओके, आपकी जो उसकी शुरुआत है वो वहीं से होती है, ठीक है, वहां कोई फ्यूचर गोल्स नहीं है कि इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है तो आप प्लीज प्राइवेट रखिए अपना, और मोस्टली ध्यान रखिए कि अपना जो उन्हीं लोगों को ऐड करें जिनको आप जानते हैं, बिल्कुल, जो जो भी अननोन कोई आईडी केस होते हैं जी,
ऐसे फेक आईडी केसेस में दोनों निकलते हैं मोस्टली, जैसे फेक आईडी केस देखे हमने उसमें वही पर्सन निकलता है जो उसका कोई पुराना फ्रेंड हो या कोई मोस्टली इससे लोग निकलते बनाने वाले जज रहे हों पहले के, तो वही लोग निकलते हैं। इसमें यूं बस सिंपल सा है कि आप बस जितना हो सके उतना कम उसमें थोड़ा सा अपना एक्टिवनेस में रहो। ओके आप अगर फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी यूज कर रहे हो उन्हीं को ऐड कर दूं आप जानते हो। ओके ठीक है। और कभी भी ये मत सोचो कि आप किसी साथ में कोई चैट कर रहे हो जी और हमने अपने फोटोज कुछ शेयर किए आपस में जी, जी। आप लोगों ने शेयर किया है तो वो आप मत सोचो कि फोटो से आप तक ही रहेंगे। ओके अपने मोबाइल में ऐसे कई सारी ऐसी एप्स होती है अपन कई सारी गलती से ऐसी एप्स कर देते हैं। अगला क्वेश्चन एक्चुअली उसी पे आ रहा था कि क्या जैसे अगर मेरे फोन में सारी एप्स हैं तो मैं सर्विलेंस में हूँ या मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है हमेशा मेरा कौन सा डेटा शेयर होता है और मैं उससे कैसे रुक बच कोई भी आप इंश्योर करते हो आजकल हम देखा होगा सबसे पहले अपन अलाउ करते हैं परमिशन आती है अपन अलाउ कॉन्टेक्ट करते हैं जी अलाउ मीडिया करते हैं अलाउ वॉइस करते हैं अलाउ लोकेशन करते हैं यहाँ पर लोकेशन ऐप ऐसी है जो उसके मैं चलती भी नहीं अगर वो एक्चुअली मतलब बहुत सही तो है मजबूरी है वो ऐप को यूज करना और अगर यूज करना है तो उनको परमिशन देनी पड़ेगी। तो अपने कुछ भी ऐसे फोटोज आपस में कभी किसी के साथ भी शेयर मत करो अपने पर्सनल फोटोज में सभी को गर्ल्स और बॉयज दोनों को मैं ये कोई ऐसी जगह है जैसे कोई भी वॉल्ट कहीं पे भी जहां पर अपलोड करके नहीं कहीं भी पे नहीं अपने पर्सनल फोटोज का ना किसी को भी कोई शेयर करो तो कितना फोर्स करे कई सारे बहुत ऐसे केस देखे हमने की आपस में कोई रिलेशनशिप में थे पर्सनल फोटो शेयर कर दिए फोटो वही है कि आप कितने भी ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ रिलेशन में क्यों नहीं हो प्लीज अपने पर्सनल फोटोज वीडियोस मत शेयर करिए क्योंकि वो आज नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी लाइफ को पूरा खराब कर सकता है बर्बाद कर सकता है। मोबाइल में कई सारी ऐसी एप्स होती है वो एप्स क्या करती है कि आपके इन चीजों को सबको अलाउ करती है डाटा लेती है तो डाटा अपना डाटा बिक जाता है डाटा लीक जो डाटा लीकेज है वो भी वहीं से निकलता है। ओके साथ साथ मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको मैंने देखा कि कई सारी ऐसी ऐप्स होती है तो इवन मतलब आपने कभी देखा होगा अपन सर्च कर रहे हैं गूगल पे होटल्स जी तो आपको होटल्स की ऐप्स सब जगह दिखेगी फेसबुक पर दिखेगी यूट्यूब पर भी दिखेगी। रिसेंटली अभी मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है कि कोई तो भी ऐसी ट्रेवलिंग एप्स जो आजकल आती है बहुत सारी मेक माई ट्रिप गो आईबीबो और इन सब पे किसी ऐसी एक ऐप पे रजिस्टर्ड होटल बता रहा है और जब वो पेमेंट वगैरह सब कर दिया और उस लोकेशन पे गए तो वहां पे होटल कुछ भी नहीं था वहां पे कोई था ही नहीं ऐसा। हाँ, बिल्कुल तो ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम है। ये जब तक वेरीफाई नहीं हो तब तक एडवांस पेमेंट आप मत करो वहीं जगह पेमेंट करें। ओके अगर आप बुक कर रहे हो तो कॉल तो मत करो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट कोई हो उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप कोई होटल या रेस्टोरेंट बुक करना चाहो बुक करो कॉल से नंबर दे दिया टोल फ्री नंबर से कॉल करके अपने से बुक कर दिया ये काम नहीं करना है। ओके मतलब अगर आप कोई भी ऑनलाइन बोलते हैं तो बोलते हैं कि सर हम इससे बात करें काम करो नंबर पे पेटिंग कर लो जी तो ये आप हाँ कोई गो भी वो या कोई एगोडा कोई भी ऐसी ऐप है उसी से आप बुकिंग करो और वहीं से आप जाओ और उनके खुद की कोई वेबसाइट से हाँ वो बोलते हैं करो वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप वेबसाइट से करोगे तो आपको 2000 का पड़ रहा है आप हमें पर्सनली 1500 रुपए में या टैक्स बचाने के लिए कर देंगे ये बोलते हैं। तो ऐसे जैसे में आप लोग ना फंसे अगर आप कोई बुकिंग कर रहे हैं तो वेरीफाई करके पूरा प्रॉपर देख चेक करके कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है पर्सन उसके बाद ही आप कोई स्टेप लें कोई भी एडवांस बुकिंग करें। और अवेयरनेस की बात करूं तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बस आपके अवेयरनेस के लिए कभी भी किसी को अपनी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें। ओके पर्सनल डिटेल से आपका क्या मतलब है डेबिट कार्ड नंबर हो गया सीवीवी हो गया ओटीपी हो गए पासवर्ड शेयरिंग हो गया आज बोलता है भाई ये तो पासवर्ड देते नहीं चलता रहता है वो पासवर्ड फिर उसके नहीं चलता रहता है। ओके इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किसी को भी शेयर ना करें अपने चीज अपने पासवर्ड रखें और साइबर क्राइम क्या ना आपकी गलती के बिना साइबर क्राइम नहीं होता है। ओके तो कभी भी किसी पे इतना जल्दी भरोसा ना करें कोई भी उस पर इतना जल्दी ट्रस्ट ना करे चाहे ऑनलाइन कर रहे हो किसी भी कर रहे हो वो अलग अच्छे से बात करते हैं ना आपको लगता है कि इससे अच्छा कोई हो गई नहीं जी जी तो बस में यही है जागरूकता ही बचा गए आप अपना को थोड़ा सा अवेयर रहे संभल के चले तो आपको साइबर क्राइम नहीं होगा जरूरी। ओके मानस जी बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है ये साइबर का और बहुत ही हमारे व्यूअर्स भी चाहेंगे जानना कि अगर कोई इसे एज ए करियर परस्यू करना चाहे 11th के बाद या 12th के बाद जब भी अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद भी तो वो कैसे कर सकता है और कई सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जी मैं आपको बताया जाएगा एथिकल हैकिंग कोर्स हो गया फिर फॉरेंसिक कोर्स हो गए ओके
फिर अब तो साइबर क्राइम में बीएससी होती है, बीसी होती है, साइबर क्राइम मतलब से इंजीनियरिंग हो रही है, अलग अलग कोर्सों यूनिवर्सिटी शुरू कर दी है। ओके, तो आप चाहो तो इसके अच्छे करियर बना सकते हो, क्योंकि हर कंपनी में इस तरह की कोर्स निकलती निकलती है, डाटा एनालिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट, देन पेन टेस्टिंग एनालिस्ट हो गया, बग एनालिस्ट हो गया, ऐसे अलग अलग कोर्स निकलती होती है जहाँ पर इन लोगों की जरूरत पड़ती है, साइबर एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। फिर अभी अदर स्टेट्स तो आज भी प्राइवेट साइबर एक्सपर्ट हायर कर रहा है। ओके, तो वो भी लोग उसको हायर कर रहे हैं, कहने के एग्जाम्स निकाल रहे हैं कि वो चीज वो लोग कर रहे हैं, मेरिट निकाल रहे हैं, तो वो लोग भी हायर कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा स्कोप है, लोग उसमें जा नहीं रहे और बच्चों को उसमें जाना चाहिए, बट एटलीस्ट ओनली फॉर नॉलेज, नॉट फॉर करियर, ओनली फॉर नॉलेज भी, नॉलेज के लिए भी ज्वाइन करना ही चाहिए एक बार तो आपको। अच्छा, ओके, छोटा कोर्स होता है, 30 दिन का कोर्स होता है, इसमें एथिकल किंग का नॉर्मल कोर्स होता है, साइबर सिक्योरिटी का नॉर्मल कोर्स होता है, ठीक है, वो एटलीस्ट एक बार तो सबको ज्वाइन करना चाहिए, चाहे वो किसी फील्ड से हो। ओके, ओनली फॉर नॉलेज। ओके, और अगर मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर हमारे कोई व्यूअर्स में से किसी के साथ कुछ फ्रॉड हुआ है तो क्या वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं? दरअसल पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं? मुझसे पहुंचने से पहले सबसे पहले आप अपने नजदीक थाने भी जाएं। ओके, वो आपको ज्यादा अच्छे और हेल्प करेंगे, देन आप मुझसे हेल्प भी ले सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मानस त्रिवेदी मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर नहीं, मैं बिल्कुल आपकी मेल आईडी और ये सब मेल आईडी मैं आपको शेयर करूंगा, मेल आईडी पे आप मुझे डाल सकते हैं, जल्दी सकता कॉन्टेक्ट करोगे तो बिल्कुल एटलीस्ट आपसे सजेशन एडवाइस तो उनको कंसल्टिंग कर सकते हैं। एनीवे, आप बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं सब तरफ पुलिस में सेशंस लेके, और आज भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही जानना चाहूंगा जाते जाते कि कोई टिप्स स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि नए आए हैं, नए जुड़े हैं, नए नए अभी ATMs यूज करने लगे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो कि ATM ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, जो भी हमारे भाई बहन है, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले टिप्स मैं आपको ये देना चाहूंगा कि एक तो अपना OTP डेबिट कार्ड नंबर किसी शेयर ना करें, कोई पर्सन पे कोई मांगे उसको शेयर आप उनको नहीं करना है। दूसरा, अभी नया नया को काम चल रहा है लोन एप्स वाला, लोन एप्स, ओके, ठीक है, इसमें क्या होता है कि फर्जी की जो लोन एप्स होती है वो आप उनसे 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये आप उनसे लोन ले लेते हो। ओके, फिर आपसे उसके बदले 10,000 रुपये वसूल लेती है, फिर आपके जो वो क्या करती है कि वो जेन्युइन टेक मतलब इंटरेस्ट होता है या नहीं, कोई जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं होता है, वो आपको धंधा ही करते हैं, क्या करते हैं लाइक आपने इंस्टॉल किया है, आपके कॉन्टेक्ट मीडिया फाइल उनके चलेगी जी, आपके कॉन्टेक्ट चलेगा, फिर आपके कॉन्टेक्ट को पॉइंट इमेज बना के भेजते हैं कि ये आदमी ने एक लड़की का रेप कर भागा है और इसने ऐसा किया है। अच्छा अच्छा, तो वो आपको डरा के वो भी सेक्शन का पार्ट है, तो आपको डरा के आपसे पैसे लेते हैं। कोई भी लॉन्ग ऐप को आपको इंस्टॉल नहीं करना है, उन सभी लोगों के लिए जो कि लोन लेना चाह रहे हैं, और हम बहुत सारे एडवर्टाइज भी देखते हैं इन दिनों की एक क्लिक पे आपको लोन मिल जाएगा, तो प्लीज ऐसे लोन लेने से बचे, क्योंकि ऐसे लोन लगते लुभावने हैं लेकिन वो होते नहीं है, वो आपको आगे चल के बहुत तकलीफ दे सकते हैं। हाँ रमानी जी, और बस लास्ट एट द एंड मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जागरूकता ही बचा हुए, तो अवेयर रहे, सिक्योर रहे, और कभी कोई घटना हो तो बस नजदीकी अपने पुलिस थाने में जाके कॉन्टेक्ट करें, और 1930 जो आपको नंबर बताया इस पर कॉल करके आपकी कंप्लेंट दर्ज करा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मानस फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस सेशन, और आप सभी के लिए यही मैसेज है कि अवेयरनेस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस साइबर क्राइम, और जैसे ही अगर आपके साथ किसी भी तरह का क्राइम होता है, आपके किसी भी तरीके से पैसे कट जाते हैं अकाउंट से जो कि आपको पता है कि वो गलत तरीके से कटे गए हैं, तो प्लीज जल्दी से जल्दी अपने सबसे नजदीकी पुलिस थाने में जाके संपर्क करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें, कंप्लेंट दर्ज करें, ताकि जल्दी जल्दी प्रोसेस चालू हो सके और आपका रिफंड आ सके। थैंक यू वेरी मच मानस फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।